मेरी वीडियो देखने वालों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं बाइक पॉइंट मिंटू और राहुल के साथ। इस वीडियो में आपको हीरो आई स्मार्ट के बारे में बताऊंगा, इसमें क्या नई टेक्नोलॉजी है, क्या है और ये इसे क्यों लेना चाहिए। ये 100 सीसी की बाइक है, ये हीरो की बाइक है, 100 सीसी की बाइक है। अब आप कैसे जानेंगे ये 100 सीसी है, ये आप देख लें। पहले ये इसके इंजन पे 97 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है, और ये 100 सीसी की बाइक है। अच्छी बाइक है, और अच्छी इसलिए यह है कि जैसे पहले स्प्लेंडर प्रो तो इनकी बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन अब जो नए लड़के हैं, नई जनरेशन, वो चाहते हैं कि कुछ नया लें। तो ये देखिए, इसमें नया मॉडल ये है, इसलिए ये लड़कों को भी भाती है और थोड़ा बुजुर्ग भी रहेंगे वो भी खरीद सकते हैं। इसलिए ये बाइक ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि ये हर चीज़ में फिट बैठती है, 100 सीसी की बाइक है। अब आपको ये बताते हुए चलें कि जो इनकी NXG आई थी, NXG का ही ये, NXG को ही अपग्रेड किया गया है इसमें। ये पहले NXG थी, लेकिन अब इसमें पीछे से ये काट दिया और मीटर में, स्टैंड में लाइट दे दी स्टैंड की, और हेडलाइट में तो हेडलाइट वही है, लेकिन ये चीज़ विंड स्क्रीन इसकी दूसरी लगा दी गई है, और i3S इसके अंदर सिस्टम लगा दिया गया। इसके आप ग्राफिक देख सकते हैं, ग्राफिक्स अच्छे हैं और भी कलर में आती है, आप देख सकते हैं। अब i3S का मतलब आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, इसमें ये सिस्टम है। और ये देखें, ट्यूबलेस टायर हैं इसके अंदर, शॉकर पहले से अच्छे दिए गए हैं, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके इंजन में क्या क्या है। इसका आप पेट्रोल टैंक जान लें, 8.8 लीटर 700 ग्राम का इसका पेट्रोल टैंक है। रिजर्व इसका 1.800 ग्राम पे है, लेकिन यूजेबल रिजर्व लगभग आपका 1.5 लीटर पर ही रहेगा। और इसकी पावर है 7.6 और टॉर्क है 8.4 न्यूटन मीटर। 110 किलो इस बाइक का वेट है, और हाइट इसकी है 1095। और ये सबसे अच्छी बात, इसके अंदर डिजिटल CDI दी गई है, जो स्टार्टिंग है वो डिजिटल है, पूरी तरह डिजिटल है गाड़ी। जैसे कि अब डिजिटल का मतलब ये हुआ कि अगर बाइक में बैटरी नहीं रहेगी तो आपकी लाइट धीमी हो जाएगी और स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन पहले क्या होता था कि केवल स्टार्टिंग कॉइल दी जाती थी यहाँ मैग्नेट में, लेकिन अब यहाँ से लाइट की ही कॉइलें हैं, केवल एक पिकअप कॉइल है, और इसकी CDI जो है डिजिटल दी गई है, जिससे आपको अच्छी पिकअप मिल सके। अब जब ये NXG थी और इस ये आई स्मार्ट हुई, तो उसमें बदलाव कहाँ दिया गया, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर कार्बोरेटर में बदलाव दिया गया है, और यहाँ से एयर सेक्शन पाइप पहले रहती थी, लेकिन NXG में नहीं आई थी, वो स्प्लेंडर प्रो में वो चीज़ हटा दी गई। अब देखिए इसके मीटर में क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्होंने दी स्टैंड की लाइट, और ये i3S का एक लाइट दे दी गई है। ट्रिप मीटर पहले से ही आता था, आप इसको जीरो कर सकते हैं इसको, और ये 4558 किलोमीटर चल चली गाड़ी है। ये हाई बीम की है लाइट, और ये है फ्यूल मीटर इंडिकेटर का है, ये ट्रिप मीटर है, और इसमें ये i3S सिस्टम दिया गया है, ये देखिए। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे, मान लीजिए ये काम करता है। मान लीजिए आपने बाइक स्टार्ट कर ली, उसके बाद आपने गियर लगाया, और उसके बाद न्यूट्रल किया। जब आप न्यूट्रल कर दिए, अब देखिए, अब ये बाइक बंद हो जाएगी। अब बंद हो गई, अब मैं केवल क्लच दबाऊंगा स्टार्ट हो गई। यही है i3S टेक्नोलॉजी। और सबसे अच्छी बात, इसकी और कुछ बातें बता देता हूं मैं आपको, कि ये बाइक क्यों लेनी चाहिए। ये बाइक इसलिए लेनी चाहिए कि जब इन्होंने 1983 में होंडा से टाई अप किया था, तो जो इंजन की टेक्नोलॉजी इन्होंने निकाली थी, वही टेक्नोलॉजी आज भी दे रहे हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 1983 वाला इंजन है, इसको हमेशा ये अपग्रेड करते रहते हैं, जिसके इसके रॉकर में बदलाव, इसके पिस्टन में बदलाव, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने अपने ग्राहकों से इस बाइक में धोखा नहीं किया, जैसे कुछ कंपनी वाले कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने इंजन सेल्फ स्टार्ट देने के लिए बाइक इंजन ही बदलाव कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसी इंजन में आपको सेल्फ लगा के दे दिया। तो इससे आपका भरोसा वहीं बरकरार रह रहा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती इसमें, क्योंकि ये पहले से ही इंजन आ रहा है। इसके सारे पार्ट, सारे चीज़ें, हर जगह मैकेनिक इसके आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। अच्छा, इन्होंने कमी क्या की,
कमी क्या इनके हिसाब से, तो ये चीज़ें अच्छी चल, जैसे इसमें इन्होंने चेन पतली चेन स्पॉकेट लगा के दे दी है, उससे ये कहा जाता है कि बाइक आसान चलती है, बहुत साफ चलती है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा क्योंकि मेरे यहाँ सर्विस होने जब बाइक आती है तब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि चेन स्पॉकेट पतली होने की वजह से कट जाती है और जल्दी ही आवाज़ करने लगती है। लेकिन जब आप इसे कट जाएगी और आप इसको बदलवाएंगे तो आप उसमें मोटी वाली चेन स्पॉकेट जैसे पैशन प्रो या ग्लैमर या सुपर इनकी लगवा देंगे तो चलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरी चीज़ जो लोग मुझसे कुछ लोग सवाल करते हैं कि इसकी ये टेक्नोलॉजी बताइए उसकी, तो भैया जी ऐसा है कि अगर कोई बाइक आती है तो ये नहीं कि वो बाइक देखने में बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी चलेगी, उसको जब वो मार्केट में आती है और कस्टमर ख़रीदते हैं उसके बाद जब परेशान होते हैं तब पता चलता है कि बाइक कैसी थी। इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैं ही आपको बता दूँ, पहले ये शॉकर इनके जैसे जो पहले आते थे उनमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन इन्होंने बदलाव क्या किया, इसमें एक बुश डाल दिया यहाँ पर। अब उस बुश से प्रॉब्लम ये होती है कि जब बाइक डेढ़ साल चल जाती है तो लगभग 80% बाइकों का ये शॉकर रॉड कट जाती है, तो ये होती। अब ये जब कोई कस्टमर ख़रीदा तभी तो किसी को पता चला, इसलिए हम लोग पहले बता देते हैं इसमें ये है। लेकिन अब भाई कुछ लोग ज़्यादा, अब आपने पढ़ लिया मान लीजिए इंटरनेट पे कि इसमें इतना टॉर्क है इतना, ये सब मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि कोई बाइक आपने ख़रीदी 60-70 हज़ार 1-1.5 लाख इन्वेस्ट किया उसके अंदर, तो ये देखना होता है कि वो कितने दिन चली और कैसी। अब पता चला आप बार बार सर्विस सेंटर पे ही जा रहे हैं, तो मेरा नज़रिया ये है कि जो भी बाइक ख़रीदी जाए जितने पैसे लगाए जाएँ वो चले और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अब आप देख सकते हैं, और इसके अंदर एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है एक अच्छी बात है। पहले इन बाइकों में जो स्प्लेंडर प्लस आती थी तो उनमें क्या होता था कि लाइट कम रहती थी, लेकिन जो डिजिटल CDI और जो इसको डिजिटल बना दिया इन्होंने, इसलिए लाइट की प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइट आपको तेज़ मिलेगी और आपको लाइट की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ये देखिए, ये पास का बटन है, चाहे आप बाइक स्टार्ट करें ना करें ये आपको काम करेगी। और भी देख लें आप, और बता दें एक अच्छी बात, जैसे जो ये साइलेंसर आता था पहले, ये देखिए ये साइलेंसर, पहले इसमें 1500 रुपये का साइलेंसर इन्हीं इंजनों में लग के आता था, लेकिन अब ये साइलेंसर लगभग 5000 रुपये का आता है। इसलिए इसमें क्वालिटी दी गई अच्छी, इसकी आवाज़ आप देखेंगे तो आपको आवाज़ दिखा, और सब इसमें सब कुछ वही है। आइए और भी जानते हैं इसके बारे में, और अब आइए आपको दिखाते हैं कि इसमें डिजिटल कैसे है। ये देखिए इसमें पूरा लाइट की कॉइल लगी हुई है, पहले यहाँ स्टार्टिंग कॉइल आती थी, पिकअप कॉइल आती थी लाइट की, लेकिन अब इसमें लाइट की ही कॉइलें हैं, और ये इसमें पिकअप कॉइल लगी है, और ये जो है आपकी, ये मैंने इंजन खोल रखा है, और ये CD डीलक्स का है, लेकिन ये सिस्टम जो है CD डीलक्स और उसका एक ही है। तो आइए आपको और कुछ बताते हैं, और जो मैं कह रहा था कि इंजन 1983 से आया तो अपग्रेड किया किया गया है, ये भी आप जान लें। जो ये आपको टैपिट, इसको रॉकर बोलते हैं, रॉकर में चेंज दिया गया है, क्लच में चेंज दिया गया है, और ब्लॉक और पिस्टन में भी चेंज दिया गया है। आइए आपको थोड़ा सा और बता दें, आप देखते होंगे ग्लैमर में, पहले सुपर में, और इसमें भी APDB इग्निशन सिस्टम लिखा है। ये क्या है, इसका मतलब है एडवांस प्रो सीरीज डिजिटल वेरिएबल इग्निशन सिस्टम, इसका यही मतलब होता है। अब आप कहेंगे इसको बता दिया, लेकिन इसको बताया नहीं कि कैसे क्या है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में भी कहने लगते हैं कि भाई ये क्या है, आपने तो बताया नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना। अभी दिखा देते हैं आपको, ये देखिए खोल रहा हूँ, ये सिस्टम यहाँ लगा होता जी, ये रहा, ये और जब आप कार्बोरेटर, जब आप एक्सीलेटर घुमाते हैं कुछ ज़्यादा, तो ये देखिए यहाँ पर कुट की आवाज़ कट कट कर रहा है,
देखिए अगर सुनाई दे रहा हो तो ठीक है भैया, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। ये है ये आपने देख लिया होगा, ये इसके अंदर लगा हुआ है। अब इसका मतलब है कि जब आप 60 के ऊपर जाते हैं, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा भगाते हैं, तो ये डिजिटली जो इसका स्पार्क प्लग उधर लगा हुआ है, ये जो डिजिटल CDI दी गई है उससे करंट की सप्लाई एकदम बराबर रखता है, जिससे आपको माइलेज मिलती रहती है। ये सिस्टम यही है। अब इसके बारे में पूरा जानकारी इतना तो बहुत है बाइक ख़रीदने के लिए, क्योंकि मैं कोई ट्यूटोरियल जैसे क्लास तो मैं IIT की उसकी BTech तो करवा नहीं रहा हूँ भाई। ये मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपको ये बाइक ख़रीदनी चाहिए नहीं ख़रीदनी चाहिए। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको पूरा भरोसे के साथ ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण भरोसा है इसका। और आप किसी और से भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मैं ही तो उन्हें इस देश में, इस दुनिया का मैं ही इकलौता वो नहीं हूँ, इसलिए आप पूरी जानकारी किसी और से भी कर लें, उसके बाद ही ख़रीदें। हेडलाइट, बैकलाइट, ग्राफिक्स, हर चीज़ इसकी बहुत ही अच्छी है। मीटर आपने देख ही लिया, इसमें ये जैसे देखिए हेडलाइट की स्विच है, ये हाई बीम लो बीम पासिंग के लिए इंडिकेटर, हर चीज़ ठीक है। पेट्रोल टैंक भी आपको दिखा देते हैं खोल के, ये रही पेट्रोल टैंक। और नॉर्थ देख लीजिए, और ये इसमें बैटरी 4 एम्पियर की लगी हुई है, इसमें 4 एम्पियर की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर फ्यूज दिया गया है, ये सेल्फ का रिले है, ये आपका सेल्फ है। अब आप फ्यूज के बारे में भी देख लें, ये देखिए यहाँ पर फ्यूज लगे हुए हैं, ये आपका फ्लेशर लगा हुआ है, और ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही क्या है। और आप मेरे हाथों को देख ही रहे हैं कि मैं इस बाइक का काम करता हूँ। केवल ये नहीं है कि मैं वहाँ से नोट कर लिया और बता दिया, बस ये है कि मुझे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भैया मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस बोलने में कि ट्यूटोरियल बनाने में या ये वो, इसलिए बोलने में मुझसे गलती हो ही जाती है, इसलिए मुझे क्षमा करें। हो सकता है मुझसे कुछ गलत भी निकल जाता हो या कोई बात ना समझ में आती हो, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आपने मेरी वीडियो अगर पूरी देखी तो आपको बहुत 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 धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा मुझे भी हेल्प करें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद भैया, थैंक यू।